शासकीय एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय बैराड़ में किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। एकीकृत शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैराड़ विद्यालय के प्रांगण में रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अवधेश तोमर ने कहा कि बच्चे का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है। माता पिता, शिक्षक, शिक्षिका, प्रबुद्ध नागरिक, गुरु के आशीर्वाद से बच्चे अथक प्रयास से अच्छा परिणाम लाते हैं। सदैव विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार सहयोग करते रहेगा। तोमर ने कहा कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा सदैव मैट्रिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में भी सराहनीय कार्य करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन व आशीर्वाद से विद्यार्थियों में काफ़ी निखार आता है। समय समय पर पढ़ाई के अलावा जिला एवं राज्य स्तर कार्यक्रमों में भी सहभागिता सदैव विद्यार्थियों का रहता है। इस अवसर पर सभी विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका एवं सम्मानित छात्र छात्राएं एवं पालक गणों विद्यार्थियों के बीच प्रकट हुए। इस अवसर पर पोहरी बीईओ मोतीलाल खंगार, बैराड़ नायब तहसीलदार बीके शर्मा, सीएमओ महेश जाटव, पीएसए के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा सहित ब्लॉक के समस्त जन शिक्षा केंद्र के सी एस सी एवं संकुल प्राचार्य एवं पालकगढ़ स्टाफ एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपके द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम कराया गया, क्या कुछ मामला आज का? ये जो कार्यक्रम था वो प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में हमने मनाया। यहाँ पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा है, उनकी ये कल्पना थी कि प्रदेश के जो नवयुवा साथी जो कक्षा 12वीं में हैं, जो बच्चे बच्चियाँ कक्षा 12वीं में पढ़ रही हैं, वो जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, उनको विभिन्न योजनाओं के तहत वो प्रोत्साहित करते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने एक नई योजना भी इस बार शुरू की है, स्कूटी देने वाली। तो मैंने आज अपने विद्यालय में जो 109 बच्चे हैं कक्षा 12वीं में, जिन्होंने 75 और 75 से अधिक अंक प्राप्त किए प्रतिशत में, उनको एक सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा था। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसानुसार ये बच्चे यदि इस तरह के कार्यक्रम में सम्मानित होते हैं तो उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, उनको देख के और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं। तो मैंने एक नवाचार के तौर पे ये विद्यालय में ये कार्यक्रम यहाँ पे किया और उसका एक सार्थक परिणाम मुझे मिला है कि बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसे चिन्हित कितने छात्र होंगे जिन्हें स्कूटी एवं लैपटॉप की पात्रता में आए हुए? लैपटॉप की पात्रता में तो लगभग 109 बच्चे हैं। और स्कूटी अगर एक छात्र और एक छात्रा को दी जाती है तो दो बच्चे इस पात्रता में आएंगे। एक बच्ची है पायल बघेल और एक बच्चा और है सारांश अग्रवाल, तो ये दो बच्चे उस पात्रता में आते हैं। अब नियमों का अध्ययन किया जाएगा, जो भी पात्रता में होंगे। आगे भी बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? आगे भी मेरा प्रयास ही रहेगा कि जब तक मैं हूँ तब तक बच्चों को इसी प्रकार से भयमुक्त और प्रोत्साहन देने वाला कार्यक्रम मैं करता रहूं। मेरे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में और शासन प्रशासन की मंशानुसार मैं इन बच्चों को उत्साहित करूं, उन्हें प्रोत्साहित करूं ताकि वो अपने जीवन में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद।